इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। मैं मोहम्मद कबीरुद्दीन सिद्दीकी आज वानी वुमेन्स कॉलेज मेहदीपट्टनम पे मैं आया हूँ। ये दोस्त ऑनलाइन के जरिए मेरी बच्ची को वानी कॉलेज में एडमिशन मिला है डिग्री बीकॉम कंप्यूटर्स में, और ये अलॉटमेंट लेटर है जो ओयू से मेरी बच्ची को जो सीट अलॉटमेंट आया है इसके अंदर फीस है 22,605 रुपीस, जो जिसमें से मेरे को बनना है 12,605 रुपए, जबकि मैं 12,700 रुपए बन चुका हूं, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन फीस है ये जो ओयू की जो अलॉटमेंट लेटर में है 2605 रुपए ये एग्जामिनेशन फीस है। उसके बावजूद भी आप ये रसीद देख सकते हैं जिसके अंदर वानी कॉलेज वाले मेरे को लिख के दिए फर्स्ट सेमिस्टर की फीस 2700 बोल रहे, जबकि ये ओयू की गवर्नमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ये साइट पे फर्स्ट सेमिस्टर की फीस 1270 रुपए है, 100 रुपए मेमो चार्जेस, 1370 रुपए है। ये ओयू की साइट पे देखिए आप, रेगुलर स्टूडेंट्स बोल के है, यहाँ ऊपर आप ले सकते हैं इसकी वीडियो। रेगुलर स्टूडेंट की फीस है 1270 रुपए, जबकि इन्हों रसीद बना के दिए 2700 रुपए। अब आप बोलिए इस तरीके से कॉलेज माफिया जो इस तरीके से फीस कलेक्ट कर रहा है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और ये एक्शन लेना बोल के मैं इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कराऊं। मैं जब यहाँ पे कॉलेज में आके जब बात करा तो मेरे से बात ये लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तीन तीन चार चार लोग मेरे से बात कर रहे हैं। मैं किसको जवाब दूंगा बोलिए आप, मैं किसको जवाब दूंगा? कोई भी एक जने जिम्मेदार आदमी मेरे से बात करे तो मैं उनको बोल सकता हूँ। और गवर्नमेंट जो ऑर्डर कॉपी में जितनी फीस मेरे को बनना है, ऑर्डर कॉपी में जितनी मेरे को फीस बनो बोले, मैं वो फीस बन चुका हूँ। मैं अभी इस वक्त कॉलेज को एक रुपया बाकी नहीं हूँ। जो 10,000 रुपए जो स्कॉलरशिप आएंगी वो 10,000 रुपए कॉलेज के अकाउंट में स्कॉलरशिप आएंगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मीडिया के तरफ से, मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ, अगर मेरे बच्ची को स्कॉलरशिप नहीं आई तो वो 10,000 रुपए मैं बनूंगा, मगर अब नहीं बनूंगा जबकि मैं पूरे पैसे बन चुका हूँ। ये साल भर की फीस स्ट्रक्चर है, ये साल भर की आप यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फीस 2,605 रुपए है, ये एक साल की एग्जामिनेशन फीस है। आप कैसा लेते बोला आप मेरे से? आप यहाँ पे देखिए मेरे से 2700 रुपए लिया है फर्स्ट सेमिस्टर की फीस बोल, क्या है साहब ये मनमानी? और मैं आपके जरिए मीडिया के जरिए केटीआर साहब से गुजारिश करता हूँ, केटीआर साहब मैं आपके ट्विटर पे भी ये कंप्लेंट डाला हूँ। आप शहर के हैदराबाद के आप इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर किसी काम के नहीं है, दुनिया के तकलीफा हो रहे, बच्चे कह की सुसाइड कर ले रहे, थोड़े दिन पहले भी कॉलेज के फीस हरासा की वजह से बच्ची कह की सुसाइड कर ली, ये कौन है जिम्मेदार बोलिए? आप कौन एक्शन लेंगे? पुलिस को बोले तो पुलिस भी हमारा कंप्लेंट ली है, अब देखना है पुलिस को। मैं कंप्लेंट कर रहा हूं अभी मैं पुलिस को कंप्लेंट भी कर रहा हूं, अभी मैं पुलिस आसिफनगर पीएस को कंप्लेंट कर रहा हूं। अब पीएस से तो पुलिस वाले क्या एक्शन लेंगे कॉलेज के ऊपर? और एक्शन लेना चाहिए, अगर इस तरीके से कॉलेज माफिया के ऊपर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो इनके हिम्मत ऐसी बढ़ते जाएंगे, ये लोग ऐसी मनमानी फीस करेंगे। ये लोग मनमानी फीस ले रहे बोल के उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाले फीस स्ट्रक्चर बनाए, उसके बावजूद भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाले ऑडिट सेक्शन पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। मैं आप मीडिया के जरिए से मैं गुजारिश करता हूं हुकूमत तेलंगाना से भी और पुलिस आसिफनगर से भी के वानी कॉलेज के मैनेजमेंट के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम बच्चे अभी कई बच्चे हैं बच्चियां हैं जो अभी फीस नहीं बने, वह पहले बोलते हैं कॉलेज फीस बनो। अरे मैं एक महीने पहले 6,000 रुपए 8,000 रुपए बन के गया, मैं 6,000 रुपए ये देखिए ये रसीद है, कैसे महीने में मैं फीस बन के गया, एग्जाम फीस बन के गया, ये कॉलेज की फीस बन के गया, फिर महीना नहीं हुआ फिर एग्जामिनेशन डेट आ गई फीस बनो बोले तो कहां से लाके बनेंगे साहब? पहले लॉकडाउन की वजह से बिजनेस पूरे ठप है, इसलिए हमारी गुजारिश है हुकूमत तेलंगाना और आसिफ नगर पीएसए भी वानी कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जजाक अल्लाह।